ये सामने क्या हो रहा है? लिटरली में मुझे आसमान में इतना बड़ा बोर्ड दिखा और मैं बड़ी मुश्किल से छलांग लगा पे यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ देखिए सामने एक इंसान किसी को पीट रहा है। मैं तेरी बैंड बजा दूंगा, फिर उसके बाद मैं माला माल बन जाऊंगा। अरे सर, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे वो तो मैं जानता हूँ, तूने मेरा कुछ बिगाड़ा, लेकिन हाँ तेरा बिगाड़ के मेरा बहुत कुछ सुधर जाएगा। चलो, मैंने उसकी बैंड बजा दी, अब तो मेरे माला माल होने का समय आ गया है। गाइस, ये स्टॉक ने क्या किया? बेचारे आइजन लावागॉट के सूट को ऐसे समुद्र में फेंक दिया। टोनी, ये तू क्या कर रहा है? अबे तू इधर क्या कर रहा है भिखारी फ्रैंकलिन? यार प्लीज मेरे को जल्दी से बता, तूने आइजन लावागॉट को क्यों पिटा? वो मेरा बिजनेस है, तुझे उससे क्या मतलब? हां, तुझे भी उसके पास भेजूं? यू गलत कर रहा है। अच्छा रुक, तेरे को भी फेंक देता हूं। नहीं, अरे कोई बचाओ। गाइस प्लीज वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब, ये मेरे को मार देगा। हट यहां से बेवकूफ कहीं का। जाओ 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 जाओ, जहन्नम में सड़ो बेवकूफ इंसान कहीं के। मैं तो जाता हूं जल्दी से और जाकर माला माल गॉड बन जाता हूं, मजा ही आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, कोई बचाओ। अरे बाप रे, ठंडा ठंडा पानी, जल्दी बाहर निकलते हैं। मैं बर्बाद हो गया, टोनी स्टार्क ने मुझे मारने की कोशिश की जबकि मैं ये तक नहीं जानता क्यों। तुझे सच में नहीं पता भाई, ये तुझे टोनी स्टार्क ने क्यों मारा? नहीं पता मुझे मेरे भाई। मैं तो बहुत ही अच्छा गॉड बनना चाहता हूँ, लेकिन लोग मुझे नूब बोलते हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरा सपोर्ट करूंगा। गाइस अगर आप मेरे साथ है ना, प्लीज जल्दी वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि अब मैं इसका होस्ट बनने जा रहा हूँ। फाइनली गाइस, मैं यहाँ आइस एंड लावा गॉड के सूट को पहन लिया हूँ। मेरे भाई अब हम क्या करेंगे? पहले हम ये पता करेंगे टोनी स्टार्क तुझे जान से क्यों मारना चाहता था। चलो भाई जल्दी चलते हैं। हेलो गोल्डन गॉड, मेरी बात सुनिए। क्या हो गया बच्चे? सामने तो साक्षात गोल्डन गॉड है, दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर गॉड माना जाता है इसको, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी गोल्ड से जो बनी है। मैंने आपका टास्क कर दिया है, आपने बोला था ना आइसन लावागॉट आगे जाके आपको हरा सकता है, मार सकता है, तो मैंने यहाँ पर आइसन लावागॉट को पहले ही मार दिया है, इसलिए अब मेरा टास्क पूरा हो चुका है। बहुत बढ़िया, भविष्यवाणी भी मेरा कुछ नहीं कर सकती। ले, मैं तुझे तोहफा देता हूँ। अरे अरे, ये किस तरह का तोहफा है? उसका इस्तेमाल कर अपने शत्रु पर, और उसको तो किसी भी तरह से पैसा सोना चांदी में बदल सकता। Oh my God guys, Tony Stark ने Aizen Lavagod को इसलिए मारा था क्योंकि Golden God को खतरा Aizen Lavagod से कि कहीं वो कल को पावरफुल होकर Golden God को ना मार दे। लेकिन भाई मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन दोस्तों देखिए Tony Stark को यहाँ पर ये कैसे इस गन का इस्तेमाल करके इन सभी सूटों को पैसों में कन्वर्ट कर पा रहा है। अरे वाह Golden God, अब तो मैं एक जमाने में तुझसे भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। जीता रहा मेरे बेटे, आगे भी कोई काम होगा तुझे बुलाऊंगा। गाइस जल्दी चलते हैं, मुझे देखना है कि Tony Stark यहाँ पर इतने सारे पैसों से करेगा क्या। ये बोल रहा था कि गोल्डन गॉड से भी अमीर और ताकतवर बन जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब हम एक गॉड से अमीर और ताकतवर कैसे बन सकते हैं? मुझे भी यही देखना है भाई, ये टोनी स्टार्क क्या करेगा। मिल गई मुझे मेरी स्पेशल वेबसाइट। ऊपर क्या लिख रहा है? ऑल फादर सन गॉड सूट शॉप। अरे बाप रे, ये क्या कर रहा है? पूरे 130 मिलियन डॉलर का सूट है। चलो कोई नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं है, और कमा लूंगा। वाह, मैं तो यहां पर ऑल फादर सन गॉड बन गया, मैं तो साक्षात गोल्डन गॉड से भी ताकतवर बन गया। लेकिन गोल्डन गॉड मुझसे ज्यादा अमीर है, मुझे और अमीर होना होगा, इसलिए मुझे गोल्डन गॉड के और खतरनाक टास्क पूरे करने होंगे। गाइस टोनी स्टार्क की जो गन है, अगर मुझे मिल जाए और मेरे भाई आइसन लावागॉट को मिल जाए, तो हम यहाँ पर टोनी स्टार्क से बदला ले सकते हैं। बिल्कुल, हाँ बढ़िया, मैं तो इधर से उधर जा पा रहा हूँ सेकंडों में। क्या मैं उड़ भी सकता हूँ? ये भी टेस्ट करता हूँ। गाइस टोनी स्टार्क अपनी पावर्स टेस्ट कर रहे हैं, जल्दी जाते हैं। टोनी स्टार्क ने मेरे भाई आइसन लावागॉट को लालच के चक्कर में मारा है, मैं उसका बदला जरूर लूंगा, इवन मुझे भी मारना चाहता था। बिल्कुल मेरे भाई। ऑलराइट गाइस, हमने टोनी स्टार्क की गन चुरा ली है, अब एक काम करते हैं, जल्दी जाते हैं और जाकर चेक करते हैं क्या ये गन सच में काम करेगी या नहीं करेगी। गाइस एक मिनट, मेरी सुपर विजन से मुझे यहाँ फील हो रहा है जैसे समुद्र के नीचे कोई छुपा हुआ हो। अरे बाप रे, तुझे कैसे पता? शायद मैंने और तूने यहाँ पर एक दूसरे का होस्ट बनकर अपनी ताकतों को बढ़ा लिया है। ओ भाई साहब, धरती के नीचे से एक रंगीला रिवेंजर हल्क निकला है, ये तो एकदम खतरनाक लग रहा है आइडिया, इसको पैसों में कन्वर्ट करते हैं। वाह गाइस, मेरे पास सुपर विजन है जो चीजों के आर पार में देख सकता हूँ कुछ भी। क्या बात है गाइस, ये तो अभी मेरी इकलौती छोटी सी पावर है। हैं, ये वेबसाइट लॉक्ड क्यों है गाइस? आप लोगों ने क्या वीडियो लाइक नहीं किया? प्लीज वीडियो लाइक जरूर करना। वाह, वेबसाइट अनलॉक हो गई। ऊपर क्या लिख रहा है? ऑल फादर आइसन लावागॉट सूट शॉप। गाइस $10,000 में हमें आइसन लावागॉट का एक अपग्रेडेशन वर्जन मिल रहा है। वाह भाई फ्रैंकलिन, हम तो पहले से कितने बड़े हो गए। ओ माय गॉड गाइस, लुक एट मी, मैं ऑलरेडी यहां पर कितना बड़ा नजर आ रहा हूं। और गाइस हम यहां पे क्या ही पंच लगा सकते हैं, चेक करते हैं न्यूज़ पर क्या चल रहा है। अरे बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज़, डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइम स्टोन चोरी हो चुका है। अगर उस टाइम स्टोन का किसी ने गलत इस्तेमाल किया तो दुनिया काट में हो जाएगी। कोई प्लीज डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करो। ओ नो गाइस, ये क्या?
क्या? डॉक्टर स्ट्रेंज इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? उसने टाइम स्टोन खो दिया। मैं बर्बाद हो गया, अब मेरे को अवेंजर्स नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज, मैं फ्रैंकलिन बोल रहा हूँ, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरे बच्चे फ्रैंकलिन, मैं एक परफॉर्म कर रहा था स्पेल, उस स्पेल की ताकत से मैं टाइम स्टोन को एक एलिमेंटल एग में छुपा रहा था जिससे कोई चुरा ना पाए, लेकिन मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि मेरा दुश्मन उस टाइम स्टोन के एग को ही चुरा ले जाएगा। मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा है। बताता हूँ, जब मैं अपने टाइम स्टोन को उस स्पेशल एलिमेंटल एग में छुपा रहा था तो मुझे छुपकर लावा गॉड देख रहा था। क्या, लावा गॉड देख रहा था? बिल्कुल सही क्या, और सही मौके पर आया वो पूरी तरह से सही तरह से टाइम स्टोन को छू नहीं सकता था, लेकिन वो एलिमेंटल एग को छू सकता था, इसलिए उसने टाइम स्टोन ना लेकर एलिमेंटल एग ले लिया और एलिमेंटल एग के अंदर ही मेरा टाइम स्टोन छुपा है। और लावा गॉड पता नहीं उस एलिमेंटल एग के साथ क्या करेगा और टाइम स्टोन का क्या इस्तेमाल करेगा। प्लीज बच्चे फ्रैंकलिन, तू यहाँ पर मेरा एलिमेंटल एग वापस ला दे, मैं टाइम स्टोन को अपने पास हमेशा रखूंगा, उसके बदले में तुझे बहुत पैसे दूंगा। ओह नो दोस्तों, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। टाइम स्टोन से हम पूरी धरती का फ्यूचर, इवन पास्ट प्रेजेंट कुछ भी बदल सकते हैं। हमें जल्दी जाना पड़ेगा। मेरी रेड हल्क की आर्मी, जल्द से जल्द यहाँ पर, हम बहुत जल्दी इस एलिमेंटल एग को फोड़कर इसके अंदर से टाइम स्टोन हासिल कर लेंगे और मूठों की कसम मगा जाएगी। फिर हम दुनिया के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पर खबर रखेंगे, नजर रखेंगे और जीत हमारी होगी। बिल्कुल सही कहा मेरी आर्मी। गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी आर्मी की बैंड बजाऊंगा। यहाँ पर मुझे ये एलिमेंटल एग लेना है तो मुझे पहले रेड हल्क की आर्मी की बैंड बजानी होगी। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, मैं एक आइस एंड लावा गॉड हूँ तो क्यों ना रेड हल्क की आर्मी पर पूरी तरह से खतरनाक वाली आग लगा दूं। गाइस, हम यहाँ पर पूरा फोकस लगा रहे हैं एक खतरनाक तरीके की आग लगाने के लिए। अरे बाप रे, इतनी गर्मी क्यों हो गई? ये क्या हो रहा है मेरी आर्मी को? ए, तू कौन है? अरे बाप रे फ्रैंकलिन, यार ये लावा गॉड तो बड़ा खतरनाक है। बात तो तू सही कह रहा है इसे लावा गॉड भाई, लेकिन हमें इससे जीतना होगा, हम इससे नहीं जीत पाएंगे। ये बहुत पावरफुल है, निकल जाओ यहाँ से। अरे बाप रे गाइस, मुझे उसको किसी भी हालत में हराना होगा। वैसे दोस्तों, मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैंने आइस एंड लावा गॉड के सूट को और अपग्रेड कर लिया तो यहाँ पर एक मैडिये का। अरे भाई देखो कितना डरपोक आइस एंड लावा गॉड है। ओ हाँ भाई, कितना डरपोक है। अरे हाँ यार, ये तो लावा गॉड से पिट लिया। अरे फ्रैंकलिन, ये तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा बेटा, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आइडिया गाइस, अब मैं यहाँ पर अपनी लावा की शक्ति से इनको इतना पिघलाऊंगा कि ये सोना बन जाएंगे। अबे तेरे बस की कुछ ना है। ओ हाँ भाई, इसके बस की कुछ ना। अरे जला दी, वरा भैया मार दिए। अरे भाई, अब बुरी तरह से मारा है। ओ सॉरी फ्रैंकलिन, तूने तो कमाल कर दिया। गाइस ये बस, मैंने यहाँ पर इनको ऑलमोस्ट गोल्ड बना ही दिया। वाह, मैंने यहाँ पर गोल्ड के हल्क्स को पूरी तरह से गोल्ड में बदल दिया है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं दोस्तों, ये जितना भी गोल्ड है ना, मैं अपने अकाउंट में ऐड करके देखता हूँ। क्या पता इतने पैसे में हमें आइस एंड लावा गॉड का कोई अपग्रेडेशन वर्जन वाला सूट मिल जाए। वाह, ये तो 50 मिलियन और है। एक काम करते हैं, निकालते हैं स्मार्टफोन। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर टॉप में ना मिडिल में एक 50 मिलियन का सूट है जो कि दिख नहीं रहा है। ओ माय गॉड गाइस, ये तो पहले से बड़ा लग रहा है। अब इसको बाय करता हूँ। गाइस लुक एट मी, मैं यहाँ पर पहले से कितना बड़ा हो गया। हाँ भाई फ्रैंकलिन, पहले तो हम लावा गॉड से छोटे थे, अब तो हम लावा गॉड जितने बड़े हो गए हैं, लेकिन हम लावा गॉड से ताकतवर भी हो गए। अब बताता हूँ। अरे बाप रे, बहुत बताइए, ये तो हमको मार रहा है। ये क्या, तू मेरे जितना कैसे हो गया? यहाँ पर मैं तेरे जितना नहीं बेटा, तेरे से भी बड़ा हो चुका हूँ। क्या बात है गाइस, मैंने यहाँ पर लावा गॉड को कितनी गंदी तरह से चलाया है। यहाँ पर दोस्तों, अब समय आ गया है डॉक्टर स्ट्रेंज का वो टाइम स्टोन चुराने का। ऑलराइट गाइस, मैंने एलिमेंटल एग ले लिया है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोल रहा था इसी के अंदर टाइम स्टोन है, तो हमें इसको सेफली डॉक्टर स्ट्रेंज तक डिलीवर करना होगा। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज हमको बहुत ज्यादा पैसे देंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज, अरे वाह बच्चे, तूने कमाल कर दिया, तूने पूरी पृथ्वी का भविष्य, भूतकाल और साथ साथ में वर्तमान भी बचा लिया। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं यहाँ पर तुझे करोड़ों रुपये दूंगा। करोड़ों रुपये? ओ भाई साहब, डॉक्टर स्ट्रेंज ने मुझे $90 मिलियन दे दिए, जो कि हमारे इंडियन रुपीज में कम से कम 500-600 करोड़ रुपये होते हैं। क्या बात है दोस्तों, इतने पैसे में तो मैं कोई बढ़िया सा आइस एंड लावा गॉड का सूट खरीद लूंगा। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन तूने। ओ माय गॉड गाइस, देखिए यहाँ पर एक $90 मिलियन में मुझे सूट मिल रहा है। क्या बात है गाइस, ये 3-हेडेड आइस एंड लावा गॉड डेविल का सूट है। ओ माय गॉड फ्रैंकलिन, हम तो 3-हेडेड हॉर्न्स वाले आइस एंड लावा गॉड डेविल बन चुके हैं। गाइस मेरी पावर्स तो अद्भुत हो चुकी है, कितना ज्यादा ऑसम लग रहा हूं मैं। गाइस आप मेरे सूट को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, 10/10 या 10/100? जल्दी से कमेंट
साइड पे लेके आइडिया। गाइस अब जाते हैं हम टोनी स्टार्क के पास। एक मिनट, लेकिन ये क्या हो रहा है? अरे मेरे को कोई बचाओ, हल्क कोई बचाओ, गेम हमको मार देगा। अरे टोनी सर, आप हमारे साथ क्या करना चाहते हैं बताइए ना। ओडिन किसम क्या करना चाहता है तो टोनी ये बताओ। अबे चुप करो, तुम सबके सब प्यादे हो प्यादे। ओह माय गॉड गाइस, ये टोनी स्टार्क है कहां पर? मुझे दिख नहीं रहा है। और यहां पर सारे एवेंजर्स को बुरी तरह से कौन यहां पर ब्लास्ट कर रहा है? ओडिन किसम मार दिया इस टोनी ने हमको, हल्क भी मारा। गाइस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि असल में ये सब हो क्या रहा है। मुझे थोड़ा पास जाके देखना पड़ेगा। हेलो एवेंजर्स, यहां पर किसने तुम्हें हर्ट किया? मुझे यहां पर टोनी स्टार्क की आवाज तो आ रही थी लेकिन टोनी स्टार्क कहीं दिख नहीं रहा। एक मिनट, हैं? अरे बाप रे, ये क्या गाइस, कहीं टोनी स्टार्क का ये प्लान तो नहीं है? बिल्कुल सही कहा तूने। अरे नहीं, ये मेरे पीछे था। तूने थोड़ी देर कर दी फ्रैंकलिन मुझे देखने में, मैं छिपा हुआ था तुझे मारने के लिए। ऑलराइट, मेरा यहां पर टास्क कंप्लीट हो चुका है, बस मुझे इन सारे के सारे एवेंजर्स को गोल्डन गॉड को सौंपना है। एक बार गोल्डन गॉड इन सारे एवेंजर्स की आत्मा को खा जाए, उसके बाद वो मुझे दुनिया का अनंत ताकतवर ऑल फादर गॉड बना देगा। मेरे हेड भी 10 होंगे और कम से कम मेरा राज पूरे ब्रह्मांड ही नहीं, पूरे मल्टीवर्स गैलेक्सी पर होगा। अरे बाप रे टोनी, तू सही नहीं कर रहा है। ए, चुप करो, मैं जो भी कर रहा हूँ उस दुनिया के भले के लिए कर रहा हूँ। एक बार मैं ऑल फादर गॉड बन गया, फिर इस दुनिया का निर्माण मैं अच्छे से करूंगा, दुनिया बहुत ज्यादा सफल बनेगी, मैं दुनिया से गंदगी मिटा दूंगा, उसके लिए थोड़ी बहुत जाने तो जाएंगी। नहीं टोनी प्लीज, ऐसा मत कर। आ जाओ मेरे बच्चे टोनी स्टार्क, जल्दी आ जाओ। गाइस ये सब किया धरा इस गोल्डन गॉड का है। ये लो गोल्डन गॉड, मैं सारे के सारे एवेंजर्स को ले आया, अब जल्दी से यहाँ पर हमारी जो डील है उसको पूरा कर दो। रुक जाओ मेरे बच्चे टोनी स्टार्क, पहले मुझे एवेंजर्स की आत्माओं को खाना होगा, उसके बाद ही मैं इतना ताकतवर हो पाऊंगा कि तुझे ऑल फादर गॉड बना सकूं। नहीं गाइस ये क्या? अरे भाई मुझे लगता है यहाँ पर ये गोल्डन गॉड टोनी स्टार्क को पूरी तरह से ईविल बना दिया है। बिल्कुल सही कहा गाइस, आप सभी ने गोल्डन गॉड की बातें सुनी, मैं उस गोल्डन गॉड को चौन से मार दूंगा। उसने जो भविष्य देखा था कि आइस एंड लावा गॉड उसको बड़ा होकर मार देगा, बिल्कुल सही देखा था। ये क्या गाइस, यहाँ पर थोर साथ साथ में स्पाइडरमैन और मेरा प्यारा दोस्त हल्क सबके सब यहाँ पर मर चुके हैं क्या? नहीं दोस्तों, इस गोल्डन गॉड को मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे मारने वाले को मैंने कब का मार दिया, मैंने अपने भविष्य को भी बदल दिया। नहीं 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 गाइस, मुझे एवेंजर्स को बचाना होगा, वो उनकी आत्मा खाने जा रहा है। लेकिन भाई कैसे, अब एवेंजर्स को कैसे बचाएंगे? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं यहाँ पर गोल्डन गॉड का एवेंजर्स का कॉन्टैक्ट तोड़ दूं, मैं इन पे लेजर मारता हूं। ये ले गाइस, एवेंजर्स को थोड़ी बहुत चोट लगेगी लेकिन ये ठीक हो जाएंगे। अरे बाप रे, हल्क को किसने मारा है? अरे बाप रे एवेंजर्स, मैंने तुम लोगों को बचाया, इधर देखो इधर, प्लीज जल्दी से गोल्डन गॉड को डिस्ट्रॉय करो, मेरा मतलब डिस्ट्रॉय करो। उसको डिस्ट्रॉय मैं करूंगा, मैं उसको मारूंगा। बिल्कुल हल्क तेरी मदद करेगा। बिल्कुल, हम यहां पर गोल्डन गॉड की बैंड बजाएंगे। ये क्या हो रहा है? टोनी स्टार्क, उस नमूने को मार। अबे फ्रैंकलिन, मैं तो तुझे बेहोश करके आया था। गोल्डन गॉड तुम चिंता मत करो, मैं यहां पर अपना सन गॉड का सूट पहन लिया हूं। गाइस अब ये दोनों नहीं बचने वाले। अच्छा ये ले गाइस, कमेंट में जल्दी आइस एंड लावा गॉड ओपी लिखो, यहां पर भविष्य को तो हम चेंज करके रहेंगे, तू यहां पर गोल्डन गॉड का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ऐसा तो ये ले। ओ भाई साहब, मैंने एक साथ सन गॉड एंड साथ साथ में गोल्डन गॉड के सूट को पैसों में कन्वर्ट कर लिया। अरे वाह, तूने कमाल कर दिया। ओडिन को सब मजा आ गया, हल्क तो यहां पर बहुत ज्यादा खुश हो गया। गाइस भविष्यवाणी सच हुई और यहां पर गोल्डन गॉड का अंत हुआ। अब समय आ गया है दोस्तों एक नई शुरुआत का, वो भी एकदम नए 300 ऑल फादर आइस एंड लावा गॉड के सबसे लेजेंडरी सूट को खरीदने के बाद। गाइस देखिए, अरे वाह फ्रैंकलिन, तूने तो सच में मुझे लेजेंडरी बना दिया। देखा दोस्तों, यहां पर हम सबसे बढ़िया गॉड बन चुके हैं। और हां, आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो, बहुत ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू सो मच।